दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने लेके आया हूं एक नया वीडियो। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप अपना कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की जब फाइल आप सबमिट करते हैं तो आपको कैसे पता लगता है कि वो सबमिट हो गई है, आपको जीसी की अकाउंट में जाके कैसे चेक करना है। तो इसके बाद मैं जो आज नया वीडियो लेके आया इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो स्पॉन्सरशिप लेटर पे आप बाहर जाते हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा लेके, या जिसको हम TRV भी कहते हैं, 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी कहते हैं या विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, तो इसके ऊपर जब आप स्पॉन्सरशिप लेटर लेके जाते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है। देखिए मतलब हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवा के उसके ऊपर बाहर जाने का क्या नुकसान है, उसका आज हम 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर भी है तब भी आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिलता है। ये नहीं है कि आपको अगर सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर है तो आपकी प्रोफाइल नहीं देखी जाए, कि वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल नहीं चेक करेगा और आपको सीधा वीज़ा दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तब भी आपकी प्रोफाइल को उसी तरह चेक किया जाएगा जैसे आपकी जो फाइल है विदाउट स्पॉन्सर लेटर, बिना स्पॉन्सरशिप लेटर के लगाई गई है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये पहला पॉइंट है। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब इसमें दूसरे पॉइंट में ये है कि जो आदमी आपको स्पॉन्सर दे रहा है, स्पॉन्सरशिप लेटर भेज रहा है, उसकी भी प्रोफाइल चेक होती है, उसका भी बैंक बैलेंस देखा जाएगा, उसका भी जो प्रोफेशन है वो क्या काम करता है वहाँ पे, वो आपको यहाँ अपने पास रख सकता है, उसके पास इतनी जगह है, उसके पास इतने फंड्स है आपको स्पॉन्सर करने के लिए, आपका आपकी देखभाल करने के लिए और आपके जो वहाँ का रहने का खर्चा है वो बियर कर सकता है। तो ये भी चीज़ देखी जाती है, ये भी चीज़ जो है वीज़ा ऑफिसर देखता है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने स्पॉन्सरशिप लेटर भेज दिया तो वो काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो अगर आपके जो आदमी आपको स्पॉन्सर कर रहा है अगर उसके बारे में आपको अच्छी तरह से नहीं मालूम तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई बार होता है कि उनकी प्रोफाइल में कुछ नेगेटिव होते हैं तो उसके कारण भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर तो आपके सगे भाई बहन हैं, आपके ब्लड रिलेशन हैं उनके, तो उसमें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या नेगेटिव है। पर अगर आपके दूर के रिश्तेदार हैं जो जिनके बारे में आपको नहीं पता, या आपका फ्रेंड है कोई, वो मतलब उनके नेगेटिव्स के बारे में तो आपको पता नहीं होगा, तो इसके कारण भी आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप अगर होटल बुकिंग पे वीज़ा लगाते हैं तो आपका वीज़ा आ जाता। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। अगर आप ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर आ गया तो आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो इसके बाद और जो तीसरा पॉइंट ये है कि सपोज करो कि आप वहाँ पे चले जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, उसके बाद आप अपना वीज़ा जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट करा लेते हैं या कोई और वीज़ा में कन्वर्ट करा लेते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके स्पॉन्सर को इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपके स्पॉन्सर, क्योंकि जब स्पॉन्सरशिप लेटर उसने भेजी है, उसने आपको एक इनविटेशन लेटर भेजी होती है जो नोटरी ने अटेस्ट की होती है, तो उसमें उसने लिखा होता है कि ये जो मैं जिसको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, ये जो मेरा फ्रेंड है या रिलेटिव है, तो ये जितने दिन के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ उसके दिन वो दिन स्पेंड करके मेरे साथ वो दिन गुजार के ये वापस चले जाएगा, तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसके क्या होता है कि उसकी ये जो गारंटी है वो मतलब झूठी पड़ जाती है, उसकी ये लेटर है वो भी झूठी पड़ जाती है। तो उसके कारण क्या है कि अगर वो कल को किसी और को स्पॉन्सर करता है या किसी और को बुलाता है तो उसकी स्पॉन्सरशिप लेटर को नहीं माना जाएगा। तो वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि इसने जो पहले आदमी को बुलाया था उसने तो अपनी जो प्रॉमिस किया है कि मैं वापस जाऊंगा उसको तो पूरा नहीं किया उसने, वो वहीं पे रह गया और अपना जो वीज़ा है उसने वर्क परमिट में चेंज करा लिया, तो उसने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया वापस जाने का। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब आप स्पॉन्सरशिप लेटर पर जाइए तो जितने दिन की आपने अपनी आइटनरी बनाई है, जितने दिन का आपने वहाँ पर स्टे बनाया, उसके बाद आप इंडिया वापस आइए, अपने कंट्री में, अपने होम कंट्री में वापस आइए, फिर आप दोबारा जाइए विदाउट स्पॉन्सर। क्योंकि आपको 10 साल का वीज़ा मिल चुका होता है या आपको 4 साल का, जितना भी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है उतने साल का आपको वीज़ा मिल चुका होता है, तो फिर आप दोबारा कनाडा में जाइए और जो आपने करना है, जैसे आपने अपने वीज़ा को वर्क परमिट में चेंज कराना है या स्टडी परमिट में कराना है या कोई और वीज़ा में कन्वर्ट करवाना है, तो तब आप करिए। तो आप पहली बारी जाके ऐसा काम मत करिए, उससे क्या है कि जो
जो आदमी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी स्पॉन्सरशिप की भी जो उसने प्रॉमिस किया होता वो भी ब्रेक हो जाता, और उसके कारण उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। उसके कारण उसको जब वो दोबारा किसी और को भी स्पॉन्सर करेगा तो उसकी वो स्पॉन्सरशिप नहीं मानी जाएगी, तो उनको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम आएगी, उनका वीज़ा फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ को आप सोच के चलिए और इसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए आपने कैसे जाना है, आपने होटल बुकिंग पे जाना है या आपने स्पॉन्सरशिप लेटर लेके जाना है। पहले आप इस चीज़ को डिसाइड कर लीजिए कि आपने जो आज टूरिस्ट वीज़ा लिया उसमें मैंने वापस आना है या नहीं आना। अगर आपने स्पॉन्सरशिप लेटर पे जाना तो आप ज़रूर वापस आइए और फिर दोबारा जाइए और फिर उसको वर्क परमिट में चेंज करवाइए। और इसके बाद आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप स्पॉन्सरशिप लेटर लगाते हैं तो क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल तो चेक होती है, आपका जो बैकग्राउंड भी चेक होता है, आपका सारा जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसकी चेकिंग होती है, उसकी वेरिफिकेशन भी होती है। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल की भी वेरिफिकेशन होगी, आपको अच्छी तरह से उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको अच्छी तरह से उसको वेरीफाई किया जाता है। अगर यहाँ तक कि कई बार अगर उनको वीज़ा ऑफिसर को शक हो तो फिजिकली जाके भी वो वेरीफाई करते हैं कि आप कहाँ काम रह करते हैं, क्या काम करते हैं, और आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट में उनको शक हो तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी वो वेरीफाई करते हैं बैंक से। तो यही चीज़ अगर जिसकी आप स्पॉन्सरशिप लेटर लगाओगे उसकी भी बैकग्राउंड वेरीफाई होती है, तो अगर उसकी बैकग्राउंड में कुछ उनको कमी दिखेगी, अगर उसमें कुछ हिडन होगा जो उसने क्लेम किया वो नहीं होगा, तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी भी है तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी आप स्पॉन्सरशिप लेटर पे टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं और बाहर जाना जाना है आपने, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए और अपनी प्रोफाइल पे वर्क कीजिए। तो सबसे बेस्ट है कि अपने प्रोफाइल पे वर्क कीजिए, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना के होटल बुकिंग पे जाइए। उससे क्या है कि आपको किसी की कोई किसी का एहसान भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं होगा, ना ही आपके कारण किसी का नुकसान होगा, ना ही किसी के कारण आपका नुकसान होगा। अगर आप होटल बुकिंग पे जाते हैं तो कोई इन चीज़ों का कोई फैक्टर्स का असर नहीं होगा। अगर आप इमीडिएटली उसको वर्क परमिट में भी चेंज करवाना चाहते हैं या किसी और वीज़ा में भी चेंज करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, आपको कोई इस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही होटल वालों को कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना होटल वालों का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो कोई बैकग्राउंड चेक होना ही नहीं है, ना ही स्पॉन्सर करने वाले का, ना ही आपका जितना होना है वही होना है, बस वही बैकग्राउंड चेक होगा और आप वहाँ जाके फ्री है, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उसके कारण आपका स्पॉन्सरशिप जो आपको दे रहा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए जब भी आप स्पॉन्सरशिप लेटर पे बाहर जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा लेके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मैंने जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपके मन में जो क्वेश्चन है उनका आंसर मिला होगा और आपको कुछ नया भी पता लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप इसको लाइक करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए और इसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद जो बेल आइकॉन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। और दूसरा तरीका, आप मेरे जो वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैम्पल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं, और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए,
कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भेज सकते हैं, और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीजा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसके आप उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके बाय।